अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ एयर फ्रायर की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। बिलीव मी, दे टर्न आउट अमेजिंग इन एयर फ्रायर। पहली बार में इतना नहीं पता चला था, लेकिन जब दूसरी बार ट्राई किया तो बहुत मज़े की बनी। ये पहली बार की वीडियो है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है वो सिर्फ रोल के मैंने यूज़ की है पफ शीट्स, ठीक है। वो पफ शीट्स मैंने यूज़ की, ये एक पैकेट में तकरीबन 10 पफ शीट्स थी, तो मैंने 5-6 यूज़ की। उसमें सिंपल मैंने क्या किया कि एक 5x5 स्क्वायर की एक पफ शीट थी, और इसको मैंने 4 पीसेस में ट्रायंगुलर कट किए, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा कट किए। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको कट करूँगी। ये मेरे पास लाइनर्स हैं, एयर फ्रायर लाइनर्स, ठीक है। ये पेपर के ही हैं, ये ज़रा इजी रहते हैं कि एयर फ्रायर इतना गंदा नहीं होता, आप इस ईज़िली उसके अंदर इसको रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक स्क्वायर में से 4 ऐसे ट्रायंगुलर पीसेस निकाले हैं, और मेरे पास चॉकलेट नहीं थी कोई, और आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं न्यूटेला। न्यूटेला बहुत टेस्टी लगती है। छोटा सा एक स्पून न्यूटेला का इसके टॉप पर डालिए, और इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके और वो आप रख लीजिए, तो वो बहुत टेस्टी लगता है न्यूटेला का। लेकिन मेरे पास न्यूटेला नहीं था, मेरे पास डेरी मिल्क पड़ी थी, तो मैंने वही यूज़ कर ली, क्योंकि चंक बड़ा था डेरी मिल्क के चॉकलेट का। तो मैंने 2 ट्रायंगल्स में इसको फोल्ड करके इस तरीके से एक तरफ से मतलब जो आपका ब्रॉड साइज़ होगा, ब्रॉड एरिया होगा, उसके ऊपर रख के आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। ये 4 मैंने इस तरह से बना लिया। उसके बाद मैं सिंपल शुगर और सिनेमन के बनाए। सिनेमन पाउडर मैंने लिया, थोड़ा सा शुगर को स्प्रिंकल किया शीट के ऊपर, उसके ऊपर सिनेमन पाउडर डाला, और फिर उसको उसी तरीके से सेम वे में जैसे मैंने पहले रोल किए थे, ब्रॉडर साइड से आप पहले रोल करना शुरू करेंगे, और आपकी जो नैरो साइड होगी, जो आपका जो टिप होगी, वो एंड पे उसको टर्न करेंगे, ठीक है। सेम इस वे में बहुत टाइटली रोल नहीं करना आपने, थोड़ा हैंड ज़रा हाथ को हल्का रख के लूज़ लूज़ उसको रोल करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये सारे हो जाएंगे, तो हमने एक एग योक ली थी। अच्छा, सेकेंड टाइम जो मैंने बनाए, मैंने आपको बताया पहली बार बनाने में इंसान को इतना पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। सेकेंड टाइम जो मैंने बनाया वो मुझसे ठीक बना। मैंने योग, क्योंकि उसमें थोड़ी सी फर्स्ट टाइम मैंने अंडे की थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मैंने योग जब मिलाई तो उसमें 1 चम्मच दूध भी ऐड कर दिया था, तो एक कलर भी अच्छा आ गया था और उसमें इतनी स्मेल नहीं थी। कुछ जो मैंने चॉकलेट वाले थे उनमें सिंपल मैंने जो है वो योग लगाई थी, और जो शुगर और सिनेमन वाले में थे उसमें मैंने एग योग में सिनेमन भी ऐड किया था, और थोड़ी सी शुगर ऊपर से स्प्रिंकल की थी। वो लाइनर को जो मैंने उसके बीच में रखा था, क्या कहते हैं उसकी ट्रे के अंदर एयर फ्रायर की, तो उसके बाद किया था। एयर फ्रायर मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री के ऊपर, 180 सेंटीग्रेड के ऊपर। आप देख लेंगे अब इसके ऊपर टाइमर भी आएगा, 15 मिनट्स टाइमर, 180 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और इसको मैंने 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए पूरा बनाया था, ठीक है, पूरा 15 मिनट्स के लिए। आप देख रहे हैं टाइमर लगाया था, फर्स्ट टाइम था, मुझे इतना पता नहीं था, तो 15 मिनट्स में बहुत अच्छे बने थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम 10-10 मिनट्स में भी बनने लग गए थे। नेक्स्ट भी फिर मैंने एक बैच तैयार करके रखा हुआ था, वो सिंपल मैंने शुगर और सिनेमन के साथ ही तैयार किया, और उसके ऊपर उसको सिनेमन कोट करके शुगर को थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था, वो भी बहुत टेस्टी बने थे। और अच्छा, एक और चीज़ मुझसे हुई थी कि जो मैंने फ़र्स्ट ये ऊपर से तो बहुत अच्छे टेस्टी बन जाती है, लेकिन जो इनकी बेस होती है ना, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और वो चिपक जाती है, तो उसके लिए भी बेस्ट यही है कि आप इसके ऊपर एक और लाइनर रख के एहतियात से इसको फोल्ड करें, और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना ऑपोजिट साइड से भी इसको कुक कर लें। फिर जब मैंने वो सेपरेट किए थे तो वो बहुत ही टेस्टी थे, वो बिल्कुल बाजार की तरह फ्लफ़ी थे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थे, पूरा ओवरऑल वो बहुत क्रंची थे। जैसे ऊपर से वो इतने फूले थे, वैसे ही वो नीचे से भी उनकी बहुत ज़्यादा लेयर्स थी, और वो बहुत सॉफ्ट और क्रंची बने थे, और चॉकलेट भी बड़े मज़े की मेल्ट हुई थी, और टेस्ट भी बहुत औसम था। एयर फ्रायर में बनाए 15 मिनट्स में अप एंड डाउन दोनों साइड से कुक हो जाएंगे, और बहुत ही यम्मी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।